खट्टा वाला 25-30 रुपया पड़ता है, 30 रुपया, और ये वाला 35 रुपया पड़ता है, और बिकता है दोनों। कैसे कहाँ से माल लेते हैं और कैसे बांधते हैं, कैसे सजाते हैं, जो है लेडीज लोग और लड़की लोग सब सभी देते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों ये ब्लॉग जो है आप लोगों के डिमांड के लिए बना रहा हूँ। कुछ भाइयों ने पूछा था कि कैसे कहाँ से माल लेते हैं और कैसे बांधते हैं, कैसे सजाते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे। तो सबसे पहले कैरेट एक लेना है, एक कैरेट दे सकते हैं जो कि ये फल वाले के पास या सब्जी वाले के पास मिल जाएगा, 200-250 का ऐसा ही, कभी 100 रुपये में मिल जाता है, तो देख लीजिएगा कितने का मिलता है। तो ये ले आना है। उसके बाद जो है इसमें जैसे ये देख सकते हैं, ये फार्मा है, कैरेट के हिसाब से है, तो जिसमें कैरेट आ जाए ऐसा फार्मा बन बना है, और फार्मा ये ज़्यादा नहीं 800-900 रुपये में बन जाएगा, मुझे 900 तक पड़ा था इसको बनाने में। ये बनाने से होता है कि मजबूती हो जाता है और बांधने में भी सही रहता है, तो ये बनवा लेना है। और बनवाने के बाद में है, मैं देखिए इधर से आइए दिखाइए, इधर से ये चारों तरफ से मैं पूरा घिरवा लिया हूँ और इधर से खुला रखा हूँ, इधर से जो है ये कैरेट घुस जाता है। तो इसे रख लेते हैं। इसको रखने के बाद ये डंटा है, इसको ऐसे बांध लेंगे क्योंकि उठा के ऐसे जो है ना, ऐसे उठा के ऊपर उठ जाता है, इसको ऐसे यहाँ पे बांध लेंगे दिया हूँ, और देख सकते हैं कि इसको उठाने पर जो है अच्छा से उठ जाता है। और दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए देख सकते हैं कि सारे मैं खोल करके और दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, और देख सकते हैं कि लोहा का जो फरवा है ना, उसी में सारे को बांध लिए हैं बांधने के लिए। तो कैसे बांधते हैं आइए दिखाते हैं। तो ये अच्छा से बांध लेना है, ये वाला जो देख सकते हैं बांधने वाला मिल जाएगा, जहाँ से कपड़ा लाएंगे वहीं पर मिल जाएगा, तो वहाँ से ले लेना है। और लेने के बाद जो है ऐसे बांधना है ना, बाद में खैर, और ऐसे अच्छा से इसको 2-3 मीटर बांधना जाए ताकि खुले नहीं। और इसके बाद ऐसे करके सारे अच्छे से चारों तरफ बांध लेना है। एक दो खोल के रखा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे बांधना है। और इसको बांधने के बाद जो है कपड़ा को सजाना है, तो इसको बांध लेते हैं। आप लोगों को पूरे डिटेल के साथ बता रहे हैं ताकि पूरे समझ में आए। तो चलिए सबको बांधते हैं। ये पैंट है, सियाना वाला है, देख सकते हैं गुमचुम है, मतलब पक्का रंग है, इसका रंग नहीं झड़ता है। तो चैन भी है इसमें और मियानी भी है, अच्छा है, अच्छा टिकता भी है। तो ये वाला 65-65 रुपये का पड़ता है और 90-100 रुपये से बिकता है। चलिए सबको बांध लेते हैं पहले। दस दस 12 पीस ऐसे करके, और जो 12 आइटम है वो 6-7 पीस ऐसे करके बांधते हैं, सेलिंग के हिसाब से। जो ज्यादा सेलिंग वाला है वो थोड़ा ज्यादा करके बांधते हैं, 12 पीस 15 पीस ऐसे। और ये सब जो है 10 पीस बांधते हैं, कैपरी है 11-12 साल लड़की का। और ये जो है पड़ता है 30-32 रुपये और 50-45 रुपये ऐसे बिकता है। तो इसको बांध लेते हैं। ब्लूमर सब है, ये ब्लूमर कच्चा है, ये जो है जन्मोत्ति बच्चा से लेकर के और सियाना तक है। तो इसमें जो है 8 रुपये से 7.5-8 रुपये से स्टार्ट होता है और 15 रुपये तक मिलता है, और बिकता है 10-15-20 ऐसे करके बिकता है, लोकल वाला है। और इसमें का जो बंडी है ये वाला भी छोटा सा है, 10 रुपये से स्टार्ट है और 15 रुपये तक पड़ता है, और 12 साल तक बच्चे का इसमें का आता है, और ये सब जो है 15-20 रुपये ऐसे बिकता है। तो सबको बांध लेते हैं। ये वाला 12 वाला प्लाजो है, ये सब जो है
पैंतालीस पचास रुपये पड़ता है और अस्सी नब्बे रुपये बिकता है। तो इसको बांध लेते हैं कितना का। इसमें दो तीन साइज का आता है, तो ये छोटा साइज है, छोटा वाला 25 30 रुपए पड़ता है 30 रुपए, और ये वाला 35 रुपए पड़ता है, और बिकता है दोनों 50 रुपए। तो इसको बांध लेते हैं, इसको यहाँ बांधेंगे और इसको यहाँ बांधेंगे, अपने हिसाब से सबको सेटिंग करना है और बांध लेना है। टेप है लड़की लोग सियाना लड़की लोग का, ये 14 रुपये मिलता है और 20 रुपये बिकता है। ये वाला टेप है, हाफ है, नायलॉन वाला सब है। तो इसको बांध लेते हैं, ये ब्रा है, इसको ब्रा भी बोलते हैं और टेप भी बोलते हैं। ये भी 13-14 रुपये पड़ता है, लोकल वाला है और 20 रुपये बिकता है। तो इसमें जो है लेडीज लोग और लड़की लोग सब सभी देते हैं। इसको बांध लेते हैं, और दोस्तों एक छोटा वाला लहंगी है 20-22 रुपये पड़ता है, 30-35 रुपये बिकता है। सब जो है 6-7 साल लड़की के होता है, तो इसको यहाँ पे बांध लेते हैं, अपने हिसाब से जो है सही से बांध लेना है सेटिंग करके। और ये देखिए सादा लहंगी भी है और कलर वाला भी है, सब लाइलोन में है, और ये सब जो है 30-32 रुपये ऐसे पड़ता है, 50 रुपये बिकता है, ठीक से 50 रुपये। तो ये सबको बांध लेते हैं, इसको यहाँ पे बांधते हैं। हाफ पैंट है, 1.5-2 साल बच्चे का, ये 14 रुपये पड़ता है और 20 रुपये बिकता है। तो इसको बांध लेते हैं, इसको अंदर निकालते हैं। दोस्तों ये वाला है 5-6 साल लड़का का पड़ता है, ये होता है, और ये वाला जो है मिलता है 14 रुपये, और बेचते हैं 100 के 4 100 के 5 ऐसे करके, मतलब 20 रुपये 25 रुपये। इसको यहाँ पर बांध लेते हैं, और दोस्तों ये सेमी है, सेमी इसको बोलते हैं या बांधने वाला बुल बोलते हैं गंजी। तो इसमें जो है जन्मोत्ती बच्चा से लेके और 2 साल और 2.5 साल तक बच्चा का होता है, और ये जो है 8 रुपये से लेके 11 रुपये तक, 12 रुपये तक मिलता है, और 15-20 रुपये ऐसे बिकता है। इसको यहाँ पे बांधेंगे, यहाँ पे बांध लेते हैं इसको, और दोस्तों ये नाइटी है, ये लाइलून में है, ये वाला 60-65 रुपये मिलता है, और 60 रुपये भी मिलता है और 65 रुपये मिलता है, बिकता है 100 रुपये 90 रुपये ऐसे करके। तो इसको यहाँ पे सेटिंग करते हैं, ये वाला पैंट भी 50 रुपये तक मिलता है, 12 साइज है, सियान वाला है, इसमें चैन उन नहीं है, इसमें अमियानी भी नहीं है, सिर्फ पैंट है, और ये वाला जो है 50 मिलता है और 70-80 ऐसे बिकता है। इसको यहाँ पे बांधते हैं, तो दोस्तों कैरेट का माल पूरा सरिया लिया, और इधर देखिए ये गमछा है, ये जो है 31 रुपये से लेकर 35 रुपये ऐसे तक पड़ता है, और 100 रुपये जोड़ा बिकता है, ये सब फिक्स रेट है। और दोस्तों ये पेंटी है लेडीज लोग का, तो ये सब भी ऐसा ही 14-13-14 ऐसा ही, मतलब 8 रुपये से लेकर के 7.5-8 रुपये से लेकर के, और टोटल सामान जो है छोटा वाला 15 रुपये तक मिलता है और बिकता है 10-15-20।
25 ऐसे इतना तक बिकता है। और इसमें मार्जिन देखा जाए तो 10% से लेकर के और 35% तक होता है, तो मैक्सिमम मीडियम में चलिए तो मीडियम में 20-25% बचत होता है। पनीर सबसे अंदर रख लेते हैं क्योंकि बारिश उरिश आता है तो पनीर रहता है तो सही रहता है। लाला पनीर 2 मीटर का रख लिए है सोखने के लिए, इमरजेंसी के लिए। और इसमें रखते हैं 90, इसमें 90 है सुत्ती वाला, इसको इसमें रखते हैं। ये वाला जो है 90 जो है ये मिलता है 130-135, 20-25, 30-35 रखते हैं, बिकता है 150-200 तक। और एक पीटी है 100-120 तक मिलता है। ये है और ये सब है, तो ये सब को ये सब जो है 100-120-130 तक मिलता है और बिकता है 150-200 तक, 140 तक ऐसा ही मिलता है। ये सब को इसमें रखते हैं। ये वर्मी सिपर वाला, इसमें 10 गो का बंडल रहता है तो इसमें 65-70 रुपये मिलता है, 90-100 रुपये बिकता है। इसमें रखते हैं और कुर्ती सबकी रखते हैं, तकिया कोमा है तो 15-16 रुपये मिलता है, 20-25 रुपये बिकता है। 2-3 रंग का वर्मी रखते हैं, सिफॉन स्टॉल और सूती वाला दो तीन रंग रखते हैं। और ये थोड़ा बहुत स्टॉक में रखते हैं ताकि वो बंडी सब ज़्यादा सेलिंग होता है तो ये सब चीज़ कैसा है तो फिर इस सबको निकाल के फिर बांध लेते हैं। तो ये सबको भी स्टॉक में रखते हैं थोड़ा थोड़ा जो ज़्यादा सेलिंग होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा कि कैसे सजाना है और कहाँ से माल मिलता है। तो आप अपने शहर में जाके लोकल कपड़ा बच्चे का कपड़ा सियाने कपड़ा पूछिएगा तो होलसेल का दुकान मिल जाता है, वहाँ से आप लोग ले आ करके और इस तरह से सजा करके, साइकिल है तो साइकिल से या बाइक है तो बाइक से भी कर सकते हैं। ये वाला काम करने में साइकिल से सही रहता है क्योंकि ये जो है ना ज़्यादा आइटम है तो थोड़ा ही दूर में सेलिंग होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 गांव में ही आपका टाइम पूरा पास हो जाता है। और ये वाला काम जो है रेगुलर चलता रहता है तो ये वाला कर सकते हैं। कुछ भाइयों का कमेंट आया था इसलिए मैं ये आप लोगों के लिए बनाया हूँ। तो ये वीडियो खासकर नए लोगों के लिए है जो शुरू करना चाहता है और उसको समझ में नहीं आया क्या कर। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि मैं भी काम करना चाहता हूँ, कैसे करूँ और कैसे बांधना है, कहाँ से माल लाना है। तो आप लोगों को अच्छे से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।